If there are two springs of force constant K1, K2, with K1 is greater than K2, then compare the work done when they are stressed by same amount, यानी x1 x2 सेम है, when they are stressed by same force, applied force is same है. देखो, we all know work done is given by half kx square in the case of the spring. ठीक है? अब first situation क्या देखा आपको? x1 is equal to x2, it means work totally depends on the restoring force. ये फोर्स कांस्टेंट. अब यहाँ पे आपको के वन इज ग्रेटर देन के टू गिवन है, इट मीन्स डब्ल्यू वन इज ग्रेटर देन डब्ल्यू टू. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो क्या आ जाएगा? डब्ल्यू वन इज ग्रेटर देन डब्ल्यू टू. सेकेंड पार्ट, व्हेन डब्ल्यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, अब फोर्स सेम है तो हम इसको क्या लिखेंगे? हाफ के, अब एक्स के फोर्स में कन्वर्ट करना, तो आप क्या लिखोगे? एफ इक्वल टू के एक्स, एक्स की जगह आ जाएगा एफ बाई के, एक्स स्क्वायर इज एफ स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर. तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ स्क्वायर अपॉन टू के. ठीक है, अब फोर्स तो सेम है तो डब्ल्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के. जिसका के ज़्यादा होगा उसका डब्ल्यू कम होगा, जिसका के कम होगा उसका डब्ल्यू ज़्यादा होगा. तो के टू इज लेस देन के वन, इसका मतलब आप क्या बोलोगे? डब्ल्यू टू इज ग्रेटर देन डब्ल्यू वन. तो राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज डब्ल्यू वन इज ग्रेटर देन डब्ल्यू टू, एंड बी पार्ट डब्ल्यू वन इज लेस देन डब्ल्यू.